स्वागत है आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने बेटा पढ़ लिया था समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन बिंदुओं पे हमने कैलकुलेट कर ली थी। पहला था हमारे पास ई आउट, यानी कि विद्युत क्षेत्र गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, जिसका मान आया था 1/4πε0Q/r². दूसरा हमने कैलकुलेट कर लिया था ई सरफेस, ई एस था सरफेस पे जो अचालक गोला है, अचालक गोले के पृष्ठ पर, अचालक गोले के पृष्ठ पर आया था 1/4πε0Q/R². ठीक है। और तीसरा हमने कैलकुलेट कर लिया था अंदर स्थित बिंदु पर, यानी कि ई इन, और ई इन हमारे पास आया था 1/4πε0Q(r)R³। क्लियर है। और एक और कैलकुलेट किया था हमने ई सेंटर, और सेंटर पे आपके पास आया था 0। इन समीकरण से हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ देख लीजिए ध्यान से। ये हमारे पास r डिस्टेंस है इधर, और इधर आपके पास विद्युत क्षेत्र। पहला ये मूल बिंदु, पहला हम लगाएंगे अंदर। अंदर के ग्राफ में ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि इन जो है वो समानुपाती है छोटे r के। इन किसके समानुपाती है? छोटे r के। तो इसका मतलब समानुपाती का ग्राफ कैसा आता है? समानुपाती का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, ठीक है। फिर उसके बाद पृष्ठ पर जाकर r और r क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो पृष्ठ पर इस तरह से आपका ग्राफ आ जाएगा। ये पृष्ठ है जहां पे r और कैपिटल r इक्वल, और यहाँ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल r है। और आउट के लिए क्या आया था? आउट के लिए आपको क्लियर दिख रहा है ई आउट किसके व्युत्क्रमानुपाती है? छोटे r स्क्वायर। तो छोटे r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ कैसा आता है? इस तरह से, ठीक है। ये तो आ गया ई आउट। ई आउट इज एंटी प्रोपोर्शनल 1/r², और ये आपका ग्राफ आ गया ई इन, और ई इन किसके समानुपाती है? r के। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनाया जाता है ठोस अचालक जो गोला है उसके ऊपर, ठीक है। इस ग्राफ को चाहो तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने से पहले इसको आप सभी लिख लीजिए, उतार लो इसको। ऑनलाइन क्लास वाले ध्यान दें, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और बाकी लोग उतार लीजिए इसको, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा आवेशित चालक की सतह पर बल। ध्यान से समझेंगे टॉपिक को। टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल या दाब, ठीक है। पहले हम फिजिक्स के जितने भी टॉपिक है उन सब में डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हम पहले डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम देखिए बेटा, ये कोई आवेशित चालक है आपका, चालक है, तो जब इसको आवेश देंगे तो ये आवेश कहाँ जाएगा? चालक के पृष्ठ पर, इस तरह से समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस चालक जो है, इस चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं 0 होता है, कैलकुलेट कर लिया था। अब देखिए ध्यान से, इस चालक के एक टुकड़ा जो है, यहां से लेकर यहां तक का कोई टुकड़ा है वो हमने कट कर लिया। लेट अस कंसीडर, मान लिया
कि यहां से यहां तक का टुकड़ा हमने इसका काट लिया, ये टुकड़ा काट लिया, ठीक है, ये टुकड़ा काटा, तो जो शेष टुकड़ा बच गया, ये टुकड़ा जो हमने काटा है वो लेट अस कंसीडर ए बी, और ये जो बचा हुआ है ए सी बी, ये बचा हुआ टुकड़ा है ये, ठीक है। तो इस पर अगर अपन देखें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर हम देखें तो इधर होगी, और विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, भाई क्लियर है। चालक के लिए हमने कैलकुलेट किया था ये छोटा टुकड़ा कैसे कैसा व्यवहार करेगा, जैसे कि प्लेट, चालक प्लेट, और चालक प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। शेष बचे हुए गोले पर जो आवेश है वो इस टुकड़े पर कोई ना कोई बल लगाएगा, और वो बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि यहां भी प्लस का आवेश है और यहां भी प्लस का आवेश है, और प्लस प्लस के मध्य कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। तो जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उस बल का मान हम ज्ञात करेंगे और बल से हम दाब कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम औसत विद्युत क्षेत्र यहां पे ज्ञात कर लेते हैं, अंदर जीरो है और बाहर है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, तो यहां चालक की सतह पर औसत बल, औसत विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो भाई ध्यान से देखो, औसत विद्युत क्षेत्र, औसत विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, औसत विद्युत क्षेत्र अंदर तो जीरो और बाहर है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो अपॉन टू। अरे औसत तो लेना आता है, दो चीजों का औसत कैसे लेते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए और दो का भाग दे दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास ये ई ले लेते हैं हम, तो ई आपके पास आ जाएगा यहां से सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन जीरो, इसको दे देंगे समीकरण नंबर एक। ये आ गया इस चालक पर औसत विद्युत क्षेत्र, ध्यान रहे औसत विद्युत क्षेत्र आया है, अंदर जीरो है बाहर ये है, दोनों का औसत लिया तो जीरो प्लस बाहर वाला विद्युत क्षेत्र बटे दो, ठीक है। अब बल की परिभाषा से पहले ये बताओ, ये जो टुकड़ा हमने काटा है इस टुकड़े पर आवेश कितना है, डी क्यू, माना इस टुकड़े पर आवेश डी क्यू है तो लगने वाला बल कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से जनरल फॉर्मूला क्या है, ई बराबर एफ बटे क्यू, पता है क्या, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, बोलो नहीं क्या। अब ध्यान से देखो तो ये जो बल है इस टुकड़े पर वो लेट अस कंसीडर हमने मान लिया डी एफ, भाई जब आवेश स्मॉल है तो बल भी स्मॉल होगा, और आवेश को हम लिख देते हैं डी क्यू इंटू ई, तो बल का सूत्र क्या आ जाएगा हमारे पास, दिया कि जी कर लू ई इंटू डी क्यू। तो यहां से लिखेंगे चालक पर लगने वाला, चालक की सतह पर, चालक की सतह पर बल, विद्युत बल कितना होगा चालक की सतह पर, वो आपके पास आ जाएगा डी एफ इज इक्वल टू ई इंटू डी क्यू। कहां से आया, मैंने बताया कि हम जानते हैं ई बराबर होता है एफ बटे क्यू, और जब छोटा हमने टुकड़ा काटा है उसमें आवेश डी क्यू है तो बल कितना होगा डी एफ, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला, इसको दे देंगे समीकरण नंबर दो। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है क्या, नहीं, ऑनलाइन वाले भी जान दें, अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिमाइंड करके देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया आप चैट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम यहां पर विद्युत बल का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो विद्युत बल का मान ज्ञात करने पर तो हम जी क्यू का मान ज्ञात कर लेते हैं, ई का मान यहां पर ये राय रख देंगे, तो पहले हम ये देखें कि जो सिग्मा है, सिग्मा कैसा घनत्व है, तीन प्रकार के हमने वितरण पढ़े हैं, पहला वितरण तो रेखीय वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा आयतनिक आवेश वितरण, दूसरा जो है वह है पृष्ठ आवेश वितरण, क्योंकि चालक जो बोला है उस पर आवेश पृष्ठ पर है, तो सिग्मा का मान क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी ए, अरे बोलो नहीं क्या, डी क्यू अपॉन डी ए, तो डी क्यू क्या हो जाएगा
dq is equal to sigma into dl। ये d2 का मान यहां रख देते हैं, इसको समीकरण तीन दे देते हैं, समीकरण एक से e का मान रख देते हैं, समीकरण दो तीन से dq का मान। ठीक है, इस चित्र को मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, यहां से रख कर दूंगा, आपने उतार लिया। हाँ जी, तो देखिए समीकरण समीकरण एक व तीन से मान, एक व तीन से मान समीकरण किस में लग जाते हैं, दो में मान, समीकरण दो में रखने पर रखो भाई तो क्या जाएगा आपके पास, डीएफ आ जाएगा आपके पास, डीएफ इज इक्वल टू e की जगह ये सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और dq का मान सिग्मा इनटू da। अरे बोलो ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल मान है वो आ जाएगा df इज इक्वल टू यहां से सिग्मा इनटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए, ये आ गया विद्युत बल। ठीक है, समाकल बल याद करना, समाकलन कर देते हैं तो कुल बल आ जाएगा, जहां से समाकलन करेंगे तो डी एफ का समाकलन इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बटे टू एप्सिलॉन जीरो है तो कांस्टेंट है, और समाकलन डी ए, डी एफ का समाकलन क्या होगा। अच्छा ये आपने बता दिया होगा, इसको हटा देते हैं यहां से, रब कर दो क्या। हाँ जी, तो यहां से df का समाकलन है इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और da का समाकलन, da का समाकलन a, ये आ गया आपके पास विद्युत बल। हमारा टॉपिक है विद्युत बल याद करना, लेकिन दाब भी है, और दाब का सूत्र क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां से ये जो क्षेत्रफल है इसका यहां भाग दे देंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ बाई ए इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और एफ बाई ए प्रेशर दाब, तो पी बराबर आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे टू एप्सिलॉन नॉट। यह आपके पास आ जाएगा जो आवेश चालक है उसकी सतह पर कितना दाब लगेगा, कितना बल लगेगा, इतना कितना दाब लगेगा ये। अब चाहो तो हम सिग्मा का भी मान यहां पे रख सकते हैं, एक और नया फॉर्मूला आ जाएगा न्यूमेरिकल करने के लिए। देखिए इसको मैं रब कर देता हूं, उतार लिया होगा। हाँ जी, अब हम मान रख देते हैं सिग्मा का, तो सिग्मा का मान रखेंगे तो हम जानते हैं कि E बराबर होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, जो भी चालक है उन चालकों पर विद्युत क्षेत्र इतना जनरेट होता है, तो यहां से सिग्मा का मान आ जाता है E into epsilon। ये मान सिग्मा की जगह यहां रखेंगे तो आपके पास दाब का मान आ जाएगा P बराबर, रखिए मान स्क्वायर है तो आपके पास आ जाएगा E into सिग्मा सॉरी epsilon, इसका स्क्वायर अपॉन यहां पे कितना है 2 epsilon, कीजिए स्क्वायर तो P is equal to E square into sigma sorry epsilon not square upon 2 epsilon not। क्या cancel हुआ, एक epsilon से एक epsilon cancel हो गया, तो आपके पास final result आ जाता है P बराबर 1 बटा 2, कितना बचा यहां से, एक तो cancel हो गया तो एक बच गया, एक epsilon बच गया और E square। ये दाब का दूसरा समीकरण आ गया न्यूमेरिकल में, अगर विद्युत क्षेत्र दे रखा है तो भी हम दाब कैलकुलेट कर सकते हैं आवेशी चालक। एप्सिलॉन का मान सबको पता है कितना होता है, एप्सिलॉन का मान 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है तो दाब कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहां पर अगर पृष्ठ आवेश घनत्व दे रखा है तो भी हम दाब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आवेशी जो चालक है उस पर बल और विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू क्लास।